तो नमस्कार प्यारे बच्चों, अभी इस वीडियो में हम एलसीएम ऑफ 20, 25 एंड 30 कैसे फाइंड करेंगे सीखेंगे। तो सर्वप्रथम हम इनके फैक्टर कर देंगे। देखिए 20 के फैक्टर करते हैं कितना आता है, 2 गुणा 2 गुणा 5। फैक्टर का मतलब क्या है, उस संख्या को प्राइम नंबर के मल्टीप्लाई के रूप में लिखना। इसको आप क्या लिख सकते हैं, 2 2 आ रहे हैं तो 2 की घात 2 और 5 1 आ रहा है तो 5 की घात 1। 25 के फैक्टर क्या कितना आ गया, 5 गुणा 5, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, 5 की घात 2। 30 के फैक्टर क्या क्या आ गया, 2 गुणा 3 गुणा 5, ठीक है, यानी 2 की घात 1, 3 की घात 1 और 5 की घात 1। हमें क्या चाहिए, अपना एलसीएम। देखिए बिल्कुल सिंपल है, एलसीएम में सभी फैक्टर लेने हैं और ध्यान क्या रखना है, जो अधिकतम घात का फैक्टर है उसको लेंगे, ठीक है। तो देखिए 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, 2 की अधिकतम घात कितनी है, 2, हमने इसको लिया। 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, 5 की अधिकतम घात कितनी है, 2, इसको लिया, ठीक है, 5 ले लिया, 5 के फैक्टर को हम काट देंगे। 3 की अधिकतम घात कितनी है, 1। अब हम सबका गुणा कर देते हैं। देखिए 2 की घात 2 कितना होता है, 4, 5 की घात 2 कितना होता है, 25 और गुणा 3 कितना आ गया, 300 आ गया,